आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूँ आपके साथ। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार कौशल विकास मिशन के तहत समुचित सर्वे करवाकर मैन पावर को प्रशिक्षित करने का कार्य करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास मिशन के माध्यम से योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही प्रशिक्षित करने का कार्य बखूबी किया है। इससे ये हुआ है कि प्रदेश के युवाओं का पलायन रुका है। साथ में स्किल्ड मैन पावर ना होने की दशा में जो उद्योग और व्यापार प्रदेश में आने में संकोच करते थे, अब वह खुले मन से न केवल आते हैं बल्कि अपना कारोबार स्थापित करते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में उद्योग व्यापार एवं रोजगार के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में माफिया तंत्र पर भी शिकंजा कसा है। इसके साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश का नव निर्माण किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लखनऊ स्थित आवास पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि चूंकि वो वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर से आते हैं जो कि एक गन्ना बेल्ट मानी जाती है, गन्ना किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि उनकी उचित पैदावार के साथ साथ उन्हें समय पर अपनी फसल का शुगर मिल के माध्यम से भुगतान हो सके, शुगर मिल को और अधिक लाभ अर्जित हो सके। योगी सरकार ने आस्था को भी ध्यान में रखा। जी हाँ, श्रीमद् भगवत का उद्गम स्थल कहे जाने वाले शुक्र तीर्थ का पुनर्निर्माण कराकर इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।